हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी चीज़ें खानी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खानी हैं, ये सारी बातें प्रेग्नेंट महिला का जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स, खाने पीने की चीज़ों से महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। जैसे अर्लियर मिसकैरेज का खतरा बढ़ सकता है, प्री मैच्योर डिलीवरी की संभावना अधिक हो सकती है, और साथ ही साथ बात करें बच्चे के विकास के बारे में तो वो भी कहीं ना कहीं बाधित हो सकती है। जनरली आपको हर बार प्रेगनेंसी में ये बताया जाता है कि ये चीज़ें खाओ, इससे बच्चा हष्ट पुष्ट होगा, तंदुरुस्त होगा, ये मत खाओ, ये खाओ। लेकिन फ्रेंड्स, एक्चुअली में वो इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए और कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है, किन चीज़ों से किस मंथ में बचकर रहना है, ये सारी बातें जानना जरूरी है। तभी तो आप अपने कॉम्प्लिकेशंस को कम कर पाएंगे और यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको जल्द से जल्द समय पे जान सकेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्ट एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य। फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले तिमाही की, जिसमें कि सबसे ज्यादा संभावना आपके मिसकैरेज की होती है। इस समय आपको कच्चे पपीते का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। कच्चे पपीते में एक ऐसा एंजाइम होता है जिसको लैटेक्स कहा जाता है, जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है। ये आपके गर्भाशय को स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है, और साथ ही साथ इससे आपको मिसकैरेज की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, पीरियड्स जल्दी चालू हो जाते हैं। इस वजह से कच्चे पपीते का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप पपीता खा भी रहे हैं पूरी प्रेगनेंसी में, तो आपको पूरा पका हुआ पपीता ही खाना है, वो भी एक नियमित और नियंत्रित रूप से। बहुत ज़्यादा पपीते का, पके हुए पपीते का भी सेवन नहीं करना। इसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ है अनानास का सेवन करना, यानी पाइनएप्पल एक गर्म तासीर का फ्रूट होता है। इसमें भी कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो आपके यूट्रस को स्टिमुलेट कर देंगे और इससे भी मिसकैरेज की संभावना अधिक हो जाती है। इसके अलावा नंबर 3 है हाई मर्करी फिशेस का सेवन करना। वो मर्करीज जो डायरेक्टली मांस खाती हैं, जिसको गर्म तासीर के मछलियों में गिना जाता है, वो मछलियों को मत खाइए, इससे भी आपके मिसकैरेज की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना, या फिर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें लेना, जैसे कि ड्रम स्टिक, सहजन की सब्जी खाना, कटहल की सब्जी खाना, ये सभी चीज़ें वर्जित है। ये आप फर्स्ट के 3 महीनों तक मत लीजिए या फिर बहुत कम लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारी ही चीज़ों में फाइबर बहुत अधिक होता है, ये नेचुरल तरीके से काफ़ी हीट जनरेट करती हैं बॉडी के अंदर, और इससे मिसकैरेज आपका हो सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके बाद के कुछ महीनों की। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के अंदर वो सारी चीज़ें जो एलर्जिटिक होती हैं, जैसे कि बैंगन का सेवन करना जिसमें सल्फर होता है, इसके अलावा कच्चे प्याज का सेवन करना, इन सब चीज़ों का सेवन बहुत कम करना चाहिए या फिर हफ्ते में एक बार ही करना चाहिए। क्योंकि एक तो प्रेग्नेंट महिला की सेंसिटिव स्किन काफ़ी ज़्यादा उस समय प्रेगनेंसी के दौरान रिएक्ट करती है, कई बार खुजली की प्रॉब्लम होती है, कई बार स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, कई बार स्ट्रेस मार्क्स आते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो सारी एलर्जेटिक चीज़ें जो आपको इन प्रॉब्लम्स को बढ़ा दे सकती हैं, वैसी चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड, शराब का सेवन जिसमें अल्कोहल बहुत ज़्यादा होता है, या फिर स्मोकिंग का सेवन, ये भी मत करिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके ब्लड में मिलकर आपके बच्चे तक पहुंचती है, जिससे बच्चे के लंग्स में काफ़ी सारे विकार हो सकते हैं, उसके फेफड़े में ऑक्सीजन की जो जितनी कंज्यूम होनी चाहिए वो नहीं होती है ठीक तरह से, और ऑक्सीजन लेने में बच्चे को दिक्कत हो सकती है, बच्चा शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो सकता है। इसीलिए अल्कोहल हो या स्मोकिंग हो, इसका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कॉफ़ी का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। कॉफ़ी में कैफीन होता है, जो अगेन आपकी बॉडी में हीट को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि समय पर डिलीवरी के पेन नहीं आते हैं, या फिर फ्रेंड्स अर्लियर में आपकी डिलीवरी प्री मैच्योर्ड हो सकती है, या फिर फ्रेंड्स आप पहले के कुछ महीनों में ले रहे हैं तो मिसकैरेज भी हो सकता है। तो ऐसी संभावना को खुद से कभी भी आप ना बढ़ाएं, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी ना लें।
इसके अलावा आप कई सारी ऐसी चीजें जो रिफाइंड सुगर से बनी होती है, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा चटपटा मीठा खाने की क्रैविंग होती रहती है। अगर आप बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खाती हैं या फिर वाइट सुगर से बनी हुई चीजें खाती हैं तो प्रेगनेंसी के अंदर आपको शुगर लेवल बढ़ने की संभावना हो सकती है, जेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम डायबिटीज बढ़ा देती है, डायबिटीज को पैदा करती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना है। नेचुरल स्वीटनेस के लिए आपको फ्रूट्स का सेवन करना है, शहद का सेवन करना है फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों से अपनी क्रेविंग को ठीक करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम फ्रिज का कोई भी ठंडा चीज़ खा लेते हैं या पी लेते हैं, जैसे कि आइसक्रीम का सेवन करना, ठंडे पानी का सेवन करना। प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो यूट्रस होता है या फिर आपके पेल्विक गर्डल्स गर्डल मसल्स होते हैं पेल्विक एरिया के, वो मसल्स लास्ट टाइम में डिलीवरी के समय स्मूथ होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। लेकिन अगर आप ठंडी चीज़ों का कंज्यूम करती हैं, ठंडी चीज़ें खाती हैं या पीती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं और स्टिफ हो जाते हैं, जो कि बहुत जल्दी से फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं और फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, या फिर नॉर्मल डिलीवरी के कई सारे लक्षण होते ही नहीं है, या फिर नॉर्मल डिलीवरी समय पे नहीं होता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ाना है, प्रेगनेंसी के दौरान रूम टेम्परेचर वाली चीज़ों का ही सेवन आपको करना चाहिए। इसके अलावा बाहर से कोई भी खाना आपको नहीं खाना है। बाहर का खाना अनहाइजीनिक होता है, जिसमें तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, स्पाइसेस बहुत अधिक होती है, जो आपको हो सकता है पेट में दर्द होने की शिकायत को पैदा करे, सीने में जलन की शिकायत को पैदा करे, आपकी कॉन्स्टिपेशन लेवल को बढ़ा दे, यानी खाना जो है वो पचेगा ही नहीं, बार बार पेट खराब हो जाएगा। लास्ट टाइम में अगर पेट खराब आपका रहता है तो इससे भी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान बाहर का डब्बा बंद खाना या फिर किसी भी प्रकार का फूड मत लीजिए जिसमें कि काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, उसको फ्रेश रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, उन चीज़ों का भी सेवन आपको नहीं करना है। इसके अलावा चाइनीज फूड्स नहीं खाने हैं, जिसमें काफ़ी सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कि बिल्कुल आपकी प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं है, जैसे कि विनेगर हो गया, सोया सॉस हो गया और भी कई सारे अजीनोमोटो हो गए, ये सारी ही चीज़ें केमिकल बेस्ड होती हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको बेकरी से बनी हुई चीज़ों का सेवन भी नहीं करना है जो फर्मेंटेड होती हैं। ये सारी चीज़ें ही प्रेगनेंसी में काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इससे आपको कई बार कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा मिलता है, जिससे आपका फैट बढ़ जाता है, बढ़ता हुआ वजन भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में एक बहुत बड़ा बाधा है। इसीलिए आपको बाहर से बेकरी के बने हुए चीज़ों का भी सेवन नहीं करना है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप नियमित रूप से समझ लेती हैं, सीख लेती हैं और अपनाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी हेल्दी हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस सारे दूर हो जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी हेल्दी होती है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे से एक्सरसाइज करना मॉडरेटेड, साथ ही साथ एक अच्छा लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस फ्री जीना और साथ ही साथ फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी माँ और हेल्दी बच्चे के लिए भी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर फिर भी आपकी कोई भी प्रश्न है, आप मुझे इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकती हैं और मुझसे कंसल्ट कर सकती हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक जल्दी नई टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिएगा, टेक केयर गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।